बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बान का गोश्त। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हाफ के जी से ज़्यादा है ज़बान, ये बीफ की है, आप मटन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ज़बान मैंने अच्छी तरह वॉश की, इसको जो ऊपर से इसकी खाल होती है वो उतारी, और इसको वॉश करने के बाद मैंने एक कुकर प्रेशर कुकर में डाला, क्योंकि देर से गलती है थोड़ी। तो पानी शामिल करेंगे, तकरीबन डेढ़ गिलास पानी मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें लहसुन आधी गट्ठी छिली हुई, दो अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, दो अदद टमाटर। और बहुत आसान है बनाना, एंड तक वीडियो को देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। तो यहाँ पर नमक मिर्च शामिल करते हैं, स्पाइसेस आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा, एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से लें। ये तमाम चीज़ें अभी मैंने डाली हैं, बाकी मसाले मैं साथ साथ डालती रहूँगी, टाइम टाइम पे डालने हैं। इसी तरह मज़ेदार सालन बनता है, एक ही वक्त में सारे मसाले डालना अच्छे नहीं होते। और अब हम प्रेशर कुकर को 30 मिनट के लिए बंद करते हैं, ताकि हमारी ज़बान जो है, हमारी नहीं बीफ़ जो ज़बान है बीफ़ की, वो अच्छी सी गल जाए, बहुत अच्छी सी, क्योंकि थोड़ी सी पकने के बाद ये हार्ड हो जाती है। तो हमने इसको अच्छा सा पकाना है और अच्छा सा टेंडराइज करना है इसको। तो हम 30 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, जब ये अच्छी सी गल जाएगी जी। पूरे आधे घंटे के बाद हमने कुकर से निकाल लिया है ज़बान को, और ज़बान माशाल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी सी टेंडर हो चुकी है। अभी बहुत गर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी ज़बान हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे, और इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, ठीक है ना। तो वैसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी शामिल करें, तो हमने घी शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, और मैं बताती जाऊँगी कि हम इसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी किस्म की तैयार होगी। हैदराबाद में तो स्पेशल ज़बान का सालन जो है, वो बाज़ार में इसकी शॉप्स हैं स्पेशल, और बहुत ही शौक से खाया जाता है, बड़ी मशहूर है हैदराबादी ज़बान। लेकिन मैं हैदराबादी तरीके से तो नहीं बना रही, लेकिन आज मैं अपने अंदाज़ में बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, टमाटरों को इतना थोड़ा थोड़ा सा मैश करते जाएँ, साथ साथ जो नज़र आ रहे हैं टमाटर, ज़बान के साथ साथ थोड़ा सा गोश्त भी होता है इसका, पिछले हिस्से का, जो कि बहुत लजीज होता है। ये देख सकते हैं आप, ये वाली बोटियाँ जो हैं, ज़बान में हड्डी नहीं होती, ज़बान एक बड़ी नरम चीज़ है, और आप भी नरमी ही इस्तेमाल किया करें ज़बान के ज़रिए से दूसरों के लिए। तो भूनना स्टार्ट किया है हमने, साथ में मैं इसमें यहाँ पर दही शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप दही मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इससे ग्रेवी भी अच्छी बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है, और बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं यहाँ आ रही हैं। साथ ही मैं कुछ मसाले मज़ीद ऐड करूँगी। यहाँ पर है एक खाने का चम्मच भर के मैंने कुटा हुआ धनिया, एक चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है मैंने, और एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने शामिल कर दी, और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 6 मिनट लगेंगे हमें इसकी भुनाई करते हुए। फ्लेम जो है वो मीडियम रखिएगा, या मीडियम से थोड़ा कम कर लें, हर किसी के चूल्हे का मीडियम या लो या हाई जो है वो अपने अपने चूल्हे के मुताबिक होता है। किसी का चूल्हा ख़राब होता है तो वो हाई को भी लो जाहिर कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुलता ही नहीं, मैंने अक्सर देखा है। जब मुझे किसी के घर खाना बनाने का इत्तेफाक हुआ, किसी की फरमाइश पर मैंने किसी के घर खाना बनाया, जैसे अपने कज़न्स के घर या फिर अपनी बहनों भाइयों के घर, तो अक्सर ऐसा होता है चूल्हा जो है ना, वो मेरे सेटिंग के मुताबिक नहीं होता, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, तो आप देख लें कि मसाले को जलना नहीं चाहिए, बस इतना हो। अच्छा जी, देखें यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो गई है, इसका घी जो है वो अलग हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें चंद पत्ते जो हैं वो धनिए के डाल रही हूँ, हरी मिर्च तो लाल हो चुकी है पड़ी पड़ी, तो मैं हरी मिर्च जो है वो काट के, लाल वाली हरी मिर्च वो डाल रही हूँ, और एक चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला,
ये डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपके मुंह में आने वाला है पानी, ठीक है ना। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तो आज की रेसिपी के लिए लाइक बनता है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी थी। तो कैसी लगी आपको ज़रूर आपने कमेंट करके मुझे बताना है, लाइक भी करना है। और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन भी मिले आपको। आप वॉच करें, मेरा वॉच टाइम पूरा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।